लुधियाना तो एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिथे 11 साल की एक नाबालग बच्ची ने एक बच्चे नूं जन्म दिता है। इस संबंधी परिवार वालों लुधियाना के कूमकला थाने नूं जानकारी भी दी गई है। जानकारी मुताबिक एक नौजवान वालों नाबालग नूं विआह दा झांसा दे के 10 कु महीने पहला उस नाल एक कुरकर्म किया गया सी। पीड़ित दे पिता दे बयान दे आधार ते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है ते अगली कार्रवाई की जा रही है। नाबालग पीड़ित एक फैक्ट्री विच काम करदी है ते अपने परिवार दे नाल रहिंदी है। मुलजम वालों उस नूं विआह दा झांसा दिता गया सी ते फिर उस दे नाल कुरकर्म किया गया। इस संबंधी परिवारक मैंबरां नूं जदों उन्होंने ही इलाके रहने वाली एक महिला सारी गल दसी तो परिवारक मैंबर ने दसिया कि उस महिला ने उन्होंने मदद कर थां मुलजम का साथ दिता तो उन्होंने पैसे दवाने की गल कह लगी। तो जदों परिवार नहीं मनिया तो उसका वह नाबालग बच्ची अपने नाल लै गई। उसने काफ़ी जुल्म भी किए। बाद पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस की मदद न बच्ची उस महिला के चुगल विचों छुड़ाया गया। इस तो बाद उस इलाज लिए हस्पताल में दाखिल करवाया गया। उत्थे बच्ची ने एक बेटे को जन्म दिता। मुलजम फरार दसिया जा रहा है जिसकी भाल पुलिस वालों की जा रही है। पीड़िता के परिवारक मैंबर ने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस ने भी दबाव पाया है। ये भी कहा कि उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए है। उधर दूजे पासे लुधियाना सिविल हस्पताल की जच्चा बच्चा केंद्र की स्टाफ नर्स हरप्रीत कौर ने कहा कि 14 तरीक नूं साडे कोल पीड़िता आई सी जिस तो बाद बीती रात उसकी डिलीवरी करवाई गई तो अज उसनूं हस्पताल तो छुट्टी देकर वापस भेज दिता गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंधी पुलिस नूं भी जानकारी दे दी गई है। जे न्यूज पंजाबी लई लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? सर, ये मेरी बहन है जिसकी उम्र 11 साल है। ये मेरी माँ है। इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिया। ये है बेटा। कब दिया जन्म? सर, ये कल बच्चे को जन्म दिए 10 बजे। कहाँ पे रहते हैं ये लोग? सर, ये लोग रहिया पिंड में रहते हैं। जस्सी नाम का लड़का है। ये लोग खेत में काम करने चले जाते हैं। बहन, हम लोग 6 बहन है, 2 भाई हैं, छोटे छोटे हैं भाई बहन। बेला फुसला के सर इसके साथ जबरदस्ती हुई है। माँ बाप काम पे चले जाते थे, लड़का आ जाता था। जब लड़के को पता चला कि ये पेट से है तो उन्होंने पैसे देने का लालच दिया कि जाइए पैसा दे रहे हैं आप, बच्चा गिरवा दीजिए। पर सर, बच्चा काफ़ी दिन का हो गया था जो जिसकी वजह से बच्चा गिर नहीं पाया। तो किसी डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा से? हाँ जी सर, डॉक्टर के पास बच्ची उल्टी उल्टी करने लगी थी। बच्ची ने बताया नहीं, हम लोगों से पूछा गया तो कुछ नहीं बोली। अभी बताई हमसे कि आप लोग के डर के मारे नहीं बताया, आप लोग को मारने की धमकी दिए थे, तुम्हारी बहन को मारेंगे, बाप को भी मार देंगे, इसलिए हम आप लोगों को नहीं बताए। कहाँ के रहने वाले वो लड़के? सर, वो लड़का गोरखपुर का रहने वाला, BS फैक्ट्री में यहाँ पे रहता था। पानी भरने बच्ची जाती थी, वहाँ पे पानी का मारे साधन नहीं था। वो लड़का भी आ जाता था, बहलाता था, फुसलाता था, इसके साथ जबरदस्ती किया। तो इसके बाद में आप ये लोग कहाँ के रहने वाले हो? आगे सर, समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। तो उसकी आपने शिकायत कहाँ की सर? थाने जी शिकायत किए थे सर, थाने पे गए थे हमारे मम्मी पापा, मम्मी को बिठा लिए थे, पापा वापस आ गए। पुलिस वाले बोले कि आपको मतलब उठा लिया जाएगा, कुमकला हमारा थाना लगता है। तो बोले केस उस मत कीजिए, आप केस अगर करोगे तुम्हें घर द्वार जमीन उमीन बेचना पड़ेगा, फिर भी कोई फैसला। धमकी किसने दी थी? ये धमकियाँ सर, ये धमकी लड़का वाले ने दिया था और पुलिस वाले ने भी बोला था ये बात कि आप केस ना करो, आपकी औकात नहीं है केस करने का, आपका सब कुछ बिक जाएगा, आप केस ना करो, जाओ सरपंच को बिठाओ, 4 आदमी को बिठाओ, फैसला कर लो। तो सर, सरपंच जी आए थे और 2-4-10 आदमी आए थे। कोई सरपंच का नाम क्या है? सर, सरपंच का नाम तो सर नहीं पता है। कौन से गाँव का है सरपंच? सरपंच सर वो यही रैया पिंड का ही है। तो उसने क्या बोला कि ये गलत हुआ लड़की? हाँ जी सर, बोला कि चलो जो हुआ सो छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस बात को, बच्चा गिरवाइए, जाइए अपनी बच्चे की शादी ब्याह कीजिए, अपना कमाओ खाओ। तो फिर पैसा भी दिया था बच्चा गिराने का? 30,000 रुपए उन्होंने पुलिस वाले के हाथ में दिया था। पुलिस वाले ने हमारी मम्मी के हाथ में दिया कि जाइए बच्चा गिरवाइए। और वहाँ पे एक जनानी मिल गई इनको लड़के की तरफ से, जिससे वो जनानी ने 30,000 रुपया लिया, लड़की अपने घर में रख लिया और पैसा भी अपने घर में रख ली। औरत बोली बच्चा गिर गया है, ना तो कभी माँ बाप से मिलने दी और ना ही कभी हम लोग से मिलने। हम तो शनिवार को पता चला, हमारा घर वाला गया था घूमने, तो हमारे घर वाले को पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ, हमको फोन करके बताया सर। तो हम यहाँ से गए तो जब लड़की से मिलना चाहा तो सर लड़की से हमको मिलने नहीं दिए। हम तुरंत सर शनिवार के दिन केस करने गए, हमारा केस वहाँ शनिवार को लिखा गया सर, बहुत जोर जबरदस्ती से हम वहाँ केस लिखवाए अपना।
तो थाने में, कौन से थाने में लगाया सर? हम कुमकला में लिखवाए, वहाँ उस औरत ने कबूला कि लड़के वाले ने मुझे 80,000 रुपया दिया था। हाँ जी मैम, की नाम है? किरण पर। मैं सर हरप्रीत कौर। मैम एक बच्ची की जो डिलीवरी हुई है 11 साल की बच्ची सी, की केस है कदों आया थोड़े को? बच्ची की हालत की पता? एक्चुअली एक एमएलसी केस है, सो असं एक्सपोज नहीं करा पेशेंट का नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सैकेंड थिंग कि वो बच्चा साढ़े को कल आया सीगा पेशेंट, ठीक है, तो वह पेशेंट साढ़े को कल आया सीगा और 2 बजे के नाल करीब वो डिलीवर हो चुका है। शी डिलीवर है मेल बेबी, काफ़ी अच्छा हेल्दी वेल्दी बच्चा उन्हें डिलीवर किया है, और बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है, और इस बारे में असी पुलिस इंक्वायरी भी असी सेंड कर दी हुई है। हाँ जी ऑफकोर्स, हर एक चीज़ इस चीज़ में अपने सीनियर ऑफिसर्स सानू दसना, इनफॉर्मेशन भेजनी पैंदी है, प्लस पुलिस इनकुआरी भेजनी पैंदी है, हर एक चीज़ बकायदा लीगली हुंदा वै, ता जो पेशेंट और पेशेंट के नाल कुछ इग्नोरेंस ना हो जाए। 14 ही एडमिट हुए थे तो अज डिस्चार्ज देता। हाँ जी दोनों ठीक से, जच्चा और बच्चा।